Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube channel. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड डिपार्टमेंट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो वैकेंसीज आउट हुई है ऑल इंडिया के लिए आउट हुई हैं। आपको यहाँ पर जॉब लोकेशन भी आपके घर के पास मिलने वाली है। हर चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी, तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहां पे हर चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूं। पहले वैकेंसी कौन कौन सी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और सिलेक्शन कैसे होनी है, अप्लाई कैसे करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए सीधा चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड डिपार्टमेंट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। वहाँ पे चल के हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, पोस्ट वाइज कैसे आपकी सिलेक्शन होनी है और आपको कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैंने आपके लिए एक नया चैनल बना दिया है। आपने यूट्यूब में टाइप करना है मीत शर्मा, ठीक है, आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा। जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करना है। जैसे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब पर डेली आपको दो वीडियोज़ मिलती हैं, मीत शर्मा चैनल पर आपको डेली तीन वीडियोज़ मिल जाती है। बताना चाहती हूँ रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है, वो वीडियो उसी चैनल पर आ रही है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम की वीडियो भी आपको उसी चैनल पे मिल रही है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल हम बात करें फूड डिपार्टमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है जो आज ही रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफिकेशन किन की तरफ से आया है, तो FSSAI की तरफ से आया है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अप्लाई शुरू हो चुका है, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें वैकेंसी कौन कौन सी है, तो पहले जो यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है, जिसके लिए आपकी जो सैलरी है वो आप देख पा रहे हैं पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसीज है लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंगली सैलरी आपकी रहने वाली है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए पे लेवल 7 के अकॉर्डिंगली, असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड बी के लिए पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, देखिए मिनिमम आपकी जो एज है ना वो 18 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो अलग अलग पोस्ट वाइज है, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर बात करें 3 साल का, SC ST के लिए बात करें 5 साल का, अदर्स के लिए एज पर नॉर्म्स यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है। पहले जो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, इसके लिए आपकी एज मैक्सिमम 35 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पोजिशन की असिस्टेंट मैनेजर की, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 आपकी एज, आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे काउंटिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है, डाउनलोड करके आपको फिल करना है अच्छे तरीके से, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया है और हाँ आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
हैं, लेकिन आपको पोस्ट यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें हैं तो आपको एक पोस्ट के लिए अलग इनवेल्प में अपना फॉर्म डाल के भेजना है, ठीक है। सेकेंड पोस्ट के लिए अलग इनवेल्प में अपना फॉर्म डाल के भेजना होगा, ठीक है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है। देखिए अगर एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे होती तो ये मेंशन करते अलग से, जैसे अनरिजर्व के लिए कितनी है वो लिखते, रिजर्व के लिए कितनी है वो लिखते। तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी ना तो रिजर्व का कुछ मेंशन किया है ना अनरिजर्व का लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी कोई फ़ी नहीं है। अगर होती तो मेंशन करते, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड लिंक्स में आपको ये पहला लिंक मिल जाता है, डाउनलोड नोटिफिकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको डाउनलोड करके फिल करके इनके एड्रेस पे भेजना है। सेकंड वाला जो लिंक है नोटिफिकेशन पीडीएफ का, आप दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, सेम ही आपके पास पीडीएफ ओपन होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ ही इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अब ये तो हो गया नोटिफिकेशन, अब बात करते हैं इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है इन वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये अपडेट आया है, जो तो फ्रेशर्स की यहाँ पे वैकेंसीज़ है उसमें आपका यहाँ पे रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन है, इंटरव्यू कोई नहीं है। उसके बाद अगर कोई ऐसी वैकेंसी जैसे कोई प्राइवेट सेक्रेटरी होगी, मे बी उसके लिए कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसके लिए आपको सीधा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिस सिलेक्शन हो सकती है। जो फ्रेशर्स की है उसमें पहले आपका रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये अपडेट आया है, क्योंकि सेंट्रल के डिपार्टमेंट का ये अपडेट है, तो डेफिनेटली आपकी रिटर्न के बेसिस पे ही सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है आपका। देखिए या चाहे ये फूड डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, चाहे कोई अदर वैकेंसीज, कोई भी आपको किसी भी नोटिफिकेशन को रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।